तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 8:30 और आज पहाड़ों का मौसम देखिए, चारों ओर धुंध लगी हुई है, आसमान बिल्कुल खाली है, बहुत तेज धूप आ रखी है और बहुत तेज गर्मी हो रही है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अंकित नेगी और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज 1 तारीख हो चुकी है और आज से हम अपना काम शुरू कर रहे हैं। बहुत दिनों से हम चौटा खाल मार्केट में डॉक्यूमेंट का काम कर रहे थे और आज से हमने अपना काम शुरू कर दिया है, तो अब लगातार हमारे पास काम है। बाकी आज भी पहाड़ों का मौसम, बहुत तेज धूप आने वाली है और पहाड़ों पे चारों ओर भयंकर धुंध लगी हुई है, मतलब जो दूर के पहाड़ हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ठीक तलाई वाला पहाड़ नहीं दिखाई दे रहा है और सामने भेड़गांव के पीछे जो पहाड़ है वो हल्का सा दिखाई दे रहा है। आज हम काम करने वाले हैं कुंडिल में, तो देखते हैं आज कितना काम वहाँ पे हो पाता है। जो सामने यहाँ पे मकान बने हुए हैं उन पे आज हम वायरिंग का काम करेंगे और दिन के टाइम पे हम जाएंगे चौटा खाल मार्केट। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 9:30 और आज हम कुंडिल में काम कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ ऊपर पंखा लगाने के लिए गया था तो हमने अपना काम शुरू कर दिया है और ठीक सामने मेरा घर है और यहाँ से नीचे रोड जा रखी है संगलाकोटी मार्केट के लिए और अभी मैं हूँ कुंडिल में। तो अपना काम शुरू करते हैं, आज हमें यहाँ पे वायरिंग का काम करना है, तो देखते हैं कब तक हमारा काम फिनिश हो पाता है। तो अभी दिन के 2:30 बजने वाले हैं और कुंडिल में लेट रखा हूँ मैं। आज भी बहुत भयंकर धूप है और आज हम कुंडिल में काम कर रहे हैं सामने वाले मकान पे और कोई नहीं है कुंडिल में, खाली पड़ा हुआ है। तो भाई दिन के 3 बजने वाले हैं यार, बहुत तेज यहाँ पे धूप लगी हुई है और हम यहाँ सामने वाले घर पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ नीचे साइड को हमारा थोड़ा बहुत काम हो चुका है, बाकी काम हम कल करेंगे। तो कुंडिल में काम करने के बाद हम निकल चुके हैं चौटा खाल मार्केट के लिए और आज मौसम भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है। आप देख सकते हो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और कपड़ों की हालत भी बहुत बेकार है। बाकी रात तक बारिश आ सकती है ऐसा मौसम बना हुआ है और चारों ओर भयंकर धुंध लगी हुई है। तो अभी हम पंचवटी में पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हो चारों ओर भयंकर धुंध लगी हुई है, कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा है और मौसम भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो हम पहुंच चुके हैं चौटा खाल मार्केट में और शाम के टाइम पे चौटा खाल मार्केट बिल्कुल खाली रहता है। तो हमारा काम हो चुका है और हम निकल चुके हैं चौटा खाल मार्केट से अपने घर के लिए और यहाँ से रोड कटती है नवखाल के लिए और नीचे साइड को है लडव्यो दलव्यो और हम जा रहे हैं देवराज खाल मार्केट की ओर। यहाँ ऊपर साइड को है डिग्री कॉलेज चौटा खाल और उसके थोड़ा सा नीचे को है इंटर कॉलेज चौटा खाल। तो शाम के बज चुके हैं 6:30 और मैं जा रहा हूँ घर। तो आज का दिन पूरा काम पे बिजी थे, थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला और शाम के टाइम पे हम गए थे ऊपर चौटा खाल मार्केट की ओर। वहाँ पे जो हमने डॉक्यूमेंट बनाने के लिए दे रखे थे तो वो बन के आ चुके थे, उनको लेने के लिए हम गए थे चौटा खाल मार्केट। अरे भैया आप पहाड़ों का मौसम देखिए, 1 या 2 बजे के बाद से मौसम चेंज हो गया था और अभी आसमान पूरे बादलों से भरा हुआ है और बाकी पहाड़ों पे भयंकर धुंध लगी हुई है, ये आप देख सकते हो। तो आज भी पहाड़ों का मौसम कुछ खास नहीं था, बारिश नहीं हुई और लगता है मौसम को देख के कि रात को बारिश आ सकती है। तो रात होने वाली है और तो दिन भर काम करने के बाद ऐसे शांत माहौल में घूमने का मजा ही कुछ और है, जो सिर्फ हम पहाड़ वालों को नसीब होता है। शहरों के शोर से दूर इन पहाड़ों में अलग ही सुकून है। बाकी थोड़ी देर अपने यहाँ पे ऊपर घूमेंगे रोड में और उसके बाद निकल जाएंगे घर के लिए। तो रात के बज चुके हैं 8 और आज हम बना रहे हैं सीजन का पहला कद्दू, जो कि हमें किसी ने दिया है, हमारा नहीं लगा है, किसी ने हमको दिया। तो आज मैं बना रहा हूँ अपना घरिया खरबूज, ये देखिए, और आज मैं चूल्हे पे बना रहा हूँ खाना।
तो देखते हैं कैसा बनता है। भाई रात को पहाड़ों का मौसम बिल्कुल सुनसान है, एकदम शांत माहौल है, और हम यहाँ पे बना रहे हैं सब्जी, कद्दू की सब्जी। तो अभी यहाँ पे रोटी भी बन रही है और हम मुंगरी का मजा ले रहे हैं। ये देखिए, ये है घर की मुंगरी यानी कि मक्का, और सामने चूल्हे पे रोटी भी बन रही है और साथ में मक्का भी बन रहा है। ये देखिए आप, घर का प्योर मक्का मुंगरी, गर्मा गर्म मुंगरी। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है अगला दिन, और आज रात को मतलब आज सुबह के टाइम पे पहाड़ों पे बहुत तेज बारिश हुई थी, तो मौसम काफी ठंडा हो चुका है, और सुबह के बज चुके हैं 8 और मैं निकल चुका हूँ अपने काम के लिए। अभी मैं जा रहा हूँ कुंडित, और कुंडे से हमारा क्या प्लान बनता है देखते हैं। तो कल हमने पूरे दिन कुंडिल में काम करा और अभी हमारा वहाँ पे काम बचा हुआ है। अगर आज हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे तो आज हम कुंडिल में काम करेंगे, और हम बाहर जाएंगे तो आपको भी लेके चलेंगे। और अभी हल्की हल्की सी धूप आनी शुरू हो चुकी है, बाकी मौसम बिल्कुल ख़राब है पहाड़ों का, आसमान में अभी भी बादल है, तो कुछ भी हो सकता है, बारिश भी हो सकती है और ऐसे आज धूप भी आ सकती है। तो इस साल बहुत कम बारिश हुई है हमारे पहाड़ों पे। तो जो सिरसोड़ा गांव है उसके ऊपर ठीक एक झरना टाइप का निकलता है, उसको बोलते हैं पाक का झरना। इस बार वो दिखाई नहीं हमें, तो इस साल बहुत कम बारिश हुई है और लगता है अगले साल पानी की बहुत दिक्कत होगी हमारे इन पहाड़ों में, ऐसा लोग बोल रहे हैं। बाकी अभी आप देखिए पहाड़ों का मौसम। तो कल यहाँ पे काम करा था और अब यहाँ पे काम करेंगे ऊपर साइड को। तो दिन के 11:30 बज चुके हैं और आज मैं अपने घर के सामने ही काम कर रहा हूँ, दादी के घर पे ऊपर, उनका जो बाथरूम है उसमें आज हमें फिटिंग करनी है। और मैं अकेला काम कर रहा हूँ और जो चाचा हैं वो जा रखे हैं तिमलीखाल मार्केट काम देखने के लिए। तो अभी मेरी हालत देखिए आप, पूरे कपड़े भी गंदे हो रखे हैं और सारी शक्ल भी गंदी हो रखी है। घर पे जाके थोड़ा सा खाना खाते हैं, उसके बाद फिर आते हैं ऊपर काम करने के लिए। और आज मेरा प्लान था तिमलीखाल मार्केट जाने का, लेकिन प्लान पूरा कैंसिल हुआ और मुझे अपने यहाँ रुकना पड़ा काम करने के लिए। तो अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। खाना खाने का टाइम हो चुका है और आज खाएंगे हम सीजन की पहली ककड़ी। ये देखिए आप, ये पता नहीं हमें किसने दी, और आज इसका मजा लेंगे खिचड़ी के साथ, क्योंकि आज हमने दिन के खाने में बना रखी है खिचड़ी। तो आपको भी दिखाते हैं कि आज दिन में खाने में क्या क्या है। और बाहर बहुत तेज धूप लगी हुई है, हवा भी चल रही है, तो इतनी गर्मी नहीं हो रही है बाहर, लेकिन कमरों में उमस हो रही है। अब रखते हैं खाना और उसके बाद निकलते हैं काम करने के लिए। तो आज के खाने में है खिचड़ी है, और दही है, हरी मिर्च है, ककड़ी है, और ये है हमारे घर का घी। दही भी हमारे घर की है, मिर्च भी हमारे घर की है, और जो खीरा है यानी कि ककड़ी है वो हमारे पहाड़ों की ककड़ी है। तो इसका मजा लेते हैं ऐसे मौसम में। आहा, आज तो भाई ज़्यादा खाना पड़ेगा। तो दिन के 2 बजने वाले हैं और अभी मैंने खाना खाया और 10 मिनट मैंने आराम किया, और अब मैं निकल चुका हूँ अपने काम के लिए। तो आज मैं अपने ही मोहल्ले में काम कर रहा हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ कुंडिल, और वहाँ से हम सामान लेके आएंगे, उसके बाद हम कल से दूसरी जगह काम पे जाएंगे। मतलब बहुत काम है इस बार, तो क्या पता कल से ब्लॉग ना बना पाऊँ मैं, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा ब्लॉग बनाने की। और अभी खाना खाया, मन कर रहा है सोने का, लेकिन काम पहले है और काम पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अभी खाना खाया और चलने का मन नहीं कर रहा है, उमस हो रही आज भयंकर वाली। तो फिर से मौसम कहीं कहीं पे खराब हो रहा है, मतलब आसमान में बादल भी हैं और कहीं पे आसमान खाली है,
लगता है फिर रात को बारिश आ सकती है। तो आज दिन में खाना खाने में मज़ा आ गया, बिल्कुल बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, अब सोने का मन कर रहा है। तो आजकल टाइम नहीं मिल पा रहा है ब्लॉग शूट करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है और काम के साथ साथ ब्लॉग नहीं बन पा रहे हैं। परसों जो पोखरखाल का मेला लगा था वहाँ पे, तो उसका ब्लॉग थोड़ा सा ख़राब बन गया, बहुत लोगों ने अपनी अपनी राय दी थी उस पर, मुझे भी लगा था, लेकिन क्या करें, अब वो ब्लॉग मजाक में बना दिया गया। तो आज है 2 सितंबर और आज है गढ़वाली भाषा दिवस, तो मेरी तरफ से आप सभी को गढ़वाली भाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं गढ़वाली में ब्लॉग शूट करो, गढ़वाली में मैं कभी कभी ब्लॉग शूट करता हूँ जब मेरा मन करता है। तो एक काम करते हैं, जब मैं अपने घर पे रहूँगा तो मैं पूरे दिन गढ़वाली में ब्लॉग शूट करूँगा, और जब मैं घर से बाहर जाऊँगा कहीं घूमने के लिए तो ब्लॉग जो शूट होगा वो होगा हिंदी में। तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या ये जो मैं अभी अपने विचार आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। और कुंडल इस टाइम पे बिल्कुल खाली होगा, कोई नहीं है कुंडल में, शाम के टाइम पे यहाँ पे होती है भीड़,